दोस्तों, मैं हूं दिप्तेश और बॉली क्विक के आज के इस लाइव चैट सेशन में हमारे साथ जुड़ चुकी है जानी मानी मॉडल, सिंगर और एक्ट्रेस अन्वेषी जैन जी। दोस्तों, अन्वेषी जैन जी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत अल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात से की थी। उसके बाद उन्होंने काफी सारी वेब सीरीज में काम किया, जैसे कि बॉस, हुज योर डैडी, गुड़िया की शादी वगैरह। उन्होंने तमिल और तेलुगु और गुजराती जैसी रीजनल फिल्मों में भी काम किया हुआ है। और सोशल मीडिया पे अन्वेषी जैन जी के 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। और 2019 में वे गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च होने वाली मोस्ट गूगल एक्ट्रेस भी रह चुकी है। और आज का दिन अन्वेषी जैन जी के लिए बहुत खास इसलिए है क्योंकि आज के दिन अन्वेषी जैन जी ने गाया हुआ और उन पर फिल्माया गया हुआ 9XM ओरिजिनल गाना जुगनू रिलीज हो चुका है। तो अन्वेषी जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉली क्विक के इस लाइव चैट सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लवली टू बी हियर। तो अन्वेषी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपका जो गाना है जुगनू वो आज रिलीज हो चुका है 9XM के सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और लोग उस गाने को काफी सारा प्यार दे रहे हैं और लोगों को ये गाना काफी पसंद भी आ रहा है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? करेक्ट, बहुत ज्यादा अच्छा। बिकॉज ये वो पल है जिसका मैंने बहुत लंबे समय से इंतजार किया। लोग मुझे एज एन एक्टर जानते हैं। मैं चाहती थी कि मेरा सॉन्ग बाहर आए एंड यू नो दे शुड नो दैट आई कैन सिंग एज वेल। सो इट्स दैट डे फॉर मी। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। तो अन्वेषी जैन जी, मैं चाहूंगा कि ये जो गाना है जुगनू वो आप ही ने गाया है, आप पर फिल्माया गया तो है ही, लेकिन ये गाने की सिंगर भी आप है। तो मैं चाहूंगा इंटरव्यू के शुरुआत में कि आप अपने सभी फैंस के लिए, चाहने वालों के लिए अपनी आवाज में ये गाना गा के सुनाए। बेशक बेशक, मैं थोड़ा सा आपके लिए दो लाइनें गा देती हूँ। दे गया आज टूटा तारा, मेरी मंजिल का वो पता जो छुपा था मेरे अंदर, मन ये कहाँ ढूंढता। ओ ढक दे तू दिल का अंधेरा हो, बस प्यारी जो नहारा एक दूजे पे हो मेहरबान। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया आपने गाया। तो अन्वेषी जैन जी, आपने काफी सारे कवर सॉन्ग तो रिलीज किए हुए थे, लेकिन ये आपका पहला एक ओरिजिनल गाना है जो आपने गाया हुआ है, और ये जो गाना बहुत बड़े प्लेटफॉर्म जो कि 9XM है उसके ऊपर रिलीज हो रहा है, ठीक है, रिलीज हो चुका है, तो कैसे आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े और कैसे बना ये गाना? हाँ, ये गाना हमें तब लिखा था जब हम लॉकडाउन के सेकंड फेज में थे और कोविड की सिचुएशन बहुत बुरी तरीके से हमें हिट कर रही थी। मेरी मदर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थी बिकॉज उनको कोविड हो गया था। माय डैड वाज आल्सो हैविंग इट। तो उस टाइम पे मेरे पास प्रदीप गुहा जी और गौरव दास गुप्ता जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा गाना पहले रिलीज करते हैं जिसमें कि लोग रिलेट कर सकें, जहाँ पे वो ये फील कर सके कि हम और आप बिल्कुल एक जैसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं और यू नो उससे होप मिले, इंस्पिरेशन मिले। तो इसीलिए ये गाना लिखा गया फरहान मेनन के द्वारा, एंड गौरव दास गुप्ता वॉज दी फर्स्ट पर्सन जिनके थ्रू ये डील हमारी क्लोज हुई। एंड वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। विप्लव जो कि इस गाने के म्यूजिक कंपोजर है, उन्होंने इस गाने को लाइक यू नो और तराशा, बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिक दिया, बीट्स दिए, मिक्स मास्टर किया। तो इस तरीके से इस गाने की जर्नी रही है। उस टाइम पे मैं जब घर पे थी तो अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए बस इसी गाने की प्रैक्टिस किया करती थी, बहुत सारा रियाज किया करती थी। सो फाइनली दिस विथ यू गाइस। ओके, तो अन्वेषी जैन जी, मैं आपको बता दूं कि गौरव दास गुप्ता जी का भी मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, और उनका जो सयोनी गाना जब रिलीज हुआ था तब मैंने उनका इंस्टा लाइव किया था। तो अन्वेषी जैन जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो गाना है, ठीक है, ये आपका 9XM पे रिलीज हुआ पहला आपका ओरिजिनल गाना है, तो इस सॉन्ग के रिकॉर्डिंग के दौरान का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और सॉन्ग के रिकॉर्डिंग के दौरान का कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? सॉन्ग की रिकॉर्डिंग हमने
क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था इसलिए कोई स्टूडियो ओपन नहीं था, इसलिए हमने विप्लव के घर के स्टूडियो में हमने गाने को रिकॉर्ड किया. एंड साथ ही वहाँ पे उस जिस दिन हमने गाना रिकॉर्ड करने का डिसाइड किया था, उस दिन मेरी अचानक से आवाज खराब हो गई थी इन द मिडल ऑफ द सॉन्ग. एंड विप्लव ने देन मेरे लिए लाल चाय, व्हाट यू कॉल इट, टी विद सिनेमन हनी. तो गला इतना ज्यादा वर्कडअप हो चुका था कि मुझे ब्रेक लेना पड़ा 15-20 मिनट्स का. आई हैड टू दैट टी एंड आई वाज एक्चुअली देन इवेंचुअली गेटिंग नर्वस कि यार ये कैसे होगा, वी हैव टू फिनिश द सॉन्ग. एंड देन इवेंचुअली फिर 15 मिनट के अंदर हमने उसको फिनिश किया. सो द टोटल सॉन्ग रिकॉर्डिंग इटसेल्फ टुक अस फॉर 2-2.5 आवर्स. एंड 2.5 घंटे में हमने गाना 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 रिकॉर्ड किया एंड देन हम वहां से बाहर आ गए. सो यही एक चैलेंज था कि लग रहा था कि आवाज साथ ही नहीं देगी, बिकॉज उस दिन मैंने ज्यादा रियाज कर लिया अच्छा गाने के चक्कर में, तो आवाज बहुत टायर्ड हो गई थी तब तक. तो या ये एक ऐसा किस्सा है. बाकी इस गाने के लिरिक्स में भी कई बार हमने ऊपर नीचे चेंजेस किए टाइम को देख करके, सिचुएशन को देख करके. तो क्योंकि टाइम बेटर होने लगा धीरे धीरे, तो हमने कुछ लिरिक्स उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज किया. एंड देन वी थॉट कि वी डू लाइक यू नो विल मेक इट बिग एज इन विल गो आउटसाइड एंड शूट समवेयर. पर देन गाने का फील इस तरीके का है जो कि एक घर का है, आपकी स्टोरी है. जब आप घर में अकेले होते हैं, सैड होते हैं, तो कैसे खुद को मनाते हैं और खुद के अंदर की लाइट जलाते हैं, खुद के अंदर का जुगनू आप फायर अप करते हैं. देन उसकी लाइट से आपके खुद के सेल्फ मोटिवेशन से बाकी के लोगों को भी एनर्जी मिलती है, बाकी के लोगों को भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलता है. सो पूरे गाने का मतलब यही था, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियरली लिरिक्स में समझ में आ रहा है. ओके तो इस गाने के वीडियो के शूटिंग के दौरान का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वीडियो शूटिंग बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा वेल नोन डायरेक्टर हैं, मिस्टर अंशुमन महरे जी, जिन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज और फिल्म्स डायरेक्ट की हैं. ये ऑल्सो डायरेक्टेड ट्वाइलाइट ऑल्सो. सो जब हमने इसका डिसाइड किया कि हम शूट करेंगे, इतना फास्ट फॉरवर्ड हमने इसको शुरू किया. एंड एंड ही इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट काम रिलैक्स्ड पर्सन आई हैव सीन ऑन सेट्स. वेरी इजी गोइंग. इनिशियली जब हमने शूट शुरू किया तो किसी कारण से लाइट्स वगैरह में कुछ इशू आ रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था. तो ही वॉज वेरी कूल अबाउट इट. ही लाइक विश यू ऑल्सो रियलाइज विल जस्ट डू इट, विल टेक अ शॉट एंड इट्स डन. विद इन नो टाइम द शॉट वॉज द शूट वॉज डन. सुबह से लेकर शाम तक का हमने शूट किया, 2 दिन किया, एक दिन मेरे घर में, एक दिन स्टूडियो में. बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अमेजिंग एनवायरनमेंट. एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी हमारे डायरेक्टर सर की और पूरी टीम की, वो ये कि सेटअप सेटअप तो बहुत खूबसूरत था ही, साथ ही हर एक किसी का, हर एक बंदा जो वहाँ पे था सेट में था, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों की टीम थी बिकॉज अलाउड नहीं था. सबका ख्याल बहुत बहुत अच्छे से रखा गया, सबके खाने पीने के लिए चीज़ें सब अरेंजमेंट था, यू नो. हालांकि ये होता ही है हर सेट की बातें, बहुत नॉर्मल बातें, बट मेरे लिए सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब मैं देखती हूँ कि सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, बहुत प्रोफेशनली शूट किया जा रहा है, टाइम पे किया जा. फ्रीज हो गए हेलो, ये आपका ऑडियो फ्रीज हो गया था, अभी आ रहा है। हाँ, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। मुझे भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो में कुछ इश्यू लग रहा है। हाँ, अभी आ रही है। यस हाँ, अभी आ रही है आवाज। हाँ जी, हाँ हाँ जी, बोलिए. हाँ तो आप बता रही थी कि शूटिंग पे जो ऐसा माहौल होता है तो अच्छा लगता है जी आपको, सबका ख्याल हाँ रखा जी, जाता है। हाँ यस एब्सोल्युटली जी. बस इतना ही बोलना था मुझे कि अंशुमन महली जी ने बहुत ही कमाल का शूट किया, और विद इन रिस्ट्रिक्शंस हम जितना बेस्ट कर सकते थे हमने ये किया. और सिचुएशन बेस्ड गाना है एंड आई होप एवरीबॉडी लाइक्स इट. ओके और शूटिंग के दौरान कोई ऐसा किस्सा रहा वीडियो शूट के दौरान का कि कोई ऐसी बात जो आप शेयर कर सके? डेफिनेटली आई मीन मेरे ख्याल से जैसे जैसे बीटीएस शेयर होगा आपके साथ, आपको भी मजा आएगा देखने में. तो एक सीन है जहाँ पे मैं ट्रोली पे खड़ी हुई हूँ और वो ट्रोली ना स्लाइड हो रही है इस तरीके से. तो उसमें मुझे वो दिए पकड़ के होल्ड करने थे एंड देन आई हैव टू स्लाइड, द कैमरा विल मूव विद मी, यू नो. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे ही वो स्लाइड करना उन्होंने शुरू किया, आई लॉस्ट माई बैलेंस
एंड आई वाज अबाउट टू फॉल एंड मैंने अपने को संभालने के बाद सीधा मैंने ये किया, आई एम लाइक द सुपरमैन हु इज जस्ट flying, you know, and it's like in the camera it looks so funny. I'm like going this, so it was very very funny, and we had like many funny moments like this, you know, ek dusre ko mazak udana, tease karna, then chai biscuit ka time jo hota tha usme jo conversations hote the, oh it is amazing, it's good fun. Yeah, and second year mere ghar mein shoot hua to production team ka ye kehna tha ki hum bahar se khana mangate hain, you know, we'll, कॉल फॉर फूड, आप परेशान क्यों रहे हो, बट मेरा जो कुक है वो बहुत विनोद नाम है उसका, एंड ही मेक्स लाइक ब्रिलियंट ब्रिलियंट फूड, तो सबने भी घर का खाना एंजॉय किया, हमारे एमपी के पापड़ बड़े फेमस हैं वो खाए, तो इट वाज गुड फन एक्चुअली थ्रू आउट द डे, सो इट वाज लाइक अ पिकनिक हैपनिंग अलोंग विद द शूट, इट वाज गुड फन. तो अन्वेषी जैन जी, आपको एक्ट्रेस के तौर पे तो हर कोई जानता है और आपके कवर भी कुछ लोगों ने देखे, लेकिन आज ये गाना आपका रिलीज हुआ है तो सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप काफी अच्छी सिंगर भी है, तो आप सिंगिंग के साथ कैसे जुड़ी, और मैंने ये भी सुना है कि आपने क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग भी ली हुई है. जी हाँ, मैं पिछले 4 साल से इंडियन क्लासिकल में ट्रेनिंग, इंडियन आइडल 2 के लिए भी मैंने, आपका ऑडियो ऑडियो स्टूडेंट थी, आप फिर से बोलेगा, आपका ऑडियो थोड़ा फ्रीज हो. हाँ अभी आ रही. अच्छा, मैं ये बोल रही थी 4 साल से मैं पिछले 4 साल से इंडियन क्लासिकल में ट्रेन कर रही हूँ, और इंडियन आइडल के ऑडिशन के लिए भी मैं गई थी जब मैं ग्वालियर में थी, उस टाइम पे आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एग्जामिनेशन, बट तब बहुत ज्यादा बच्ची थी, समझ नहीं थी, पढ़ाई भी करना था, तो उस टाइम पे तो नहीं मैं जा पाई, बट हाँ अब जब मैं फेमस हो गई हूँ, थोड़ा सा आसान हो गया है सब कुछ, तो अभी मैं लगातार इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न वोकल्स दोनों में ट्रेन कर रही हूँ. तो अन्वेषी जैन जी, आप बुंदेलखंड से है, एमपी बुंदेलखंड से, और वहां से आपने स्टार्ट किया, फिर आपने इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, जॉब की, फिर मुंबई में आए, मॉडलिंग की, फिर अल्ट बालाजी की वेब सीरीज में आपको काम मिला, और फिर आपने तेलुगु और गुजराती जैसी लैंग्वेज में फिल्में भी की, और आज आपका ये 9XM जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे गाना आ गया, तो आपने काफी बड़ा मुकाम क्लियर कर लिया है, तो आपकी कैसी रही ये जर्नी बुंदेलखंड से लेके बॉलीवुड तक की, और क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस का आपका सामना करना पड़ा, वो आप लोगों को बताएंगे तो लोगों को इससे काफी ज्यादा प्रेरणा भी मिलेगी और इंस्पिरेशन भी मिलेगा. डेफिनेटली. सो आसान तो देखिए किसी के लिए नहीं होता है, जो भी इंसान बड़े सपने लेकर के बॉम्बे आता है, मैं बोलती हूँ कि जो अगर बॉम्बे में भी है उनके लिए भी ये आसान नहीं है. आपकी आवाज चली गई. आपकी आवाज तो ऑडियो प्रॉपर नहीं है, डिसकनेक्ट हो रहा है ऑडियो. नाउ इज इट ऑल राइट? हाँ, नाउ इज इट ओके. सो ओके, या सो या, यहाँ पे आने के बाद में शुरुआती दिनों में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, बहुत सारे ऑडिशंस में रिजेक्ट होना, एंड देन उसके बाद यू ट्राइंग एवरीथिंग बट नथिंग इज रियली वर्किंग आउट, देन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल दोस थिंग्स, बट देन धीरे धीरे यू फाइंड अ वे. मेरे ख्याल से जब आपको भगवान दो हाथ देता है ना, और तो उसके बाद ये भी बताता है कि करना क्या है उन हाथों के साथ में, सो आई थिंक आई वर्क वेरी हार्ड इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग माई स्किल्स एंड सिलेक्टिंग राइट काइंड ऑफ शोज एंड then again singing and all of those things. So yeah, it has been quite stressful. Mushkil tha, lekin impossible nahi tha, isliye kar liya. तो मैम, आपका रोल मॉडल कोई है जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, कोई मोटिवेशन उनसे कांस्टेंट मिला? नॉट रियली. मेरे ख्याल से अंदर का ड्राइव होता है हर इंसान का, यू नो, किसी और को देख करके आप बहुत ही कम समय के लिए इंस्पायर हो सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो कि मुझे इसके ऐसा बनना है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी खुद की इच्छा होती है कि आपको किसी के ऐसा नहीं बनना है, लोग आपके ऐसा बनना चाहें, यू वॉन्ट टू रीच दैट पॉइंट. सो मेरे ख्याल से आई हैव ऑलवेज बीन सेल्फ मोटिवेटेड. हाँ, ये रहा कि इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे लोग मिले, मेंटोर मिले, दोस्त मिले, जिन्होंने बहुत सहायता की अपने मेंटल बैलेंस को बनाए रखने में और सही डिसीजंस को लेने में. बस आई थिंक इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है आपका स्ट्रगल.
मैंने सुना है आप नेशनल लेवल की कबड्डी प्लेयर भी रह चुकी है और आप काफी अच्छी बॉक्सिंग भी कर लेती है, तो स्पोर्ट्स के प्रति आपका ये लगाव कैसे आया? स्पोर्ट्स के प्रति लगाव मेरा बचपन से रहा है, बिकॉज जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत टॉमबॉयश थी, लड़कों की तरह थी। लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना, उनके साथ मारा पीटी करना, ये मेरा रूटीन था। तो मुझे रोज ही क्लास के बाहर निकाल दिया जाता था अलॉन्ग विद 3-4 बॉयज दैट आई वाज हैंगिंग आउट विद। इनफैक्ट बीच में तो ये एक वक्त भी था जहाँ मुझे लगने लगा था कि मैं लड़का ही हूँ। एंड आई यूज टू सिट स्कूल में, आई वाज क्लास 7th 8th आई गेस, तो दो लड़कों के बीच में मैं बैठा करती थी और हम लोग कॉपी के पीछे ना कॉमिक्स लिखा करते थे। तो दैट इज माय पर्सनालिटी। सो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होना जाहिर सी बात है, होना ही था। फिर धीरे धीरे ये है कि अब जाकर के ऐसा है कि अभी मुझे स्पोर्ट्स की जगह दूसरी चीजें करनी पड़ती हैं, लाइक एमएमए, बॉक्सिंग एंड करली पट्टू, ये सब चीजें हो रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले इट वाज लाइक फन, सिर्फ फन के लिए आप खेलते थे, एंड इट यूज्ड टू गिव इमेंस हैप्पीनेस एंड प्लेजर, यू नो। ओके, तो मैम आपका एजुकेशन काफी अच्छा है, आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसके बाद आपने एमबीए भी किया हुआ है और फिर जॉब करके आप ये इंडस्ट्री में आई है। लेकिन काफी सारे ऐसे न्यू कमर्स होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें एक्टिंग करना है तो पढ़ाई तो छोड़ देनी पड़ेगी, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो और एजुकेशन का आपके लाइफ में कितना महत्व रहा, क्या उससे आपको योगदान मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन मैंने जॉब कभी नहीं की। मेरे दिमाग में हमेशा से ये क्लियर था कि यही मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूंगी कि एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, फाउंडेशन का होना बहुत जरूरी है कि कल के दिन आपका करियर चले ना चले, आपके पास अगर पैसे खत्म हो जाए तो एक डिग्री होनी चाहिए जो कि आपको संभाल ले। एंड सिर्फ डिग्री का काम आपको फाइनेंशियली संभालने का नहीं होता, आपका माइंड एक अलग लेवल पे ग्रो करता है जब आप पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन पूरी करते हैं। आप डम के डम ही रह जाएंगे। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन एन एजुकेटेड पर्सन एंड एन अनएजुकेटेड पर्सन। अनएजुकेटेड पर्सन कितना ही टैलेंटेड हो, कितना ही आगे बढ़ गया हो लाइफ में, लेकिन एजुकेशन का जो फर्क है ना, वो बातचीत करने में, डिसीजन मेकिंग में, या इन्वेस्टमेंट्स में, मनी अंडरस्टैंडिंग में, सब जगह दिख जाता है, यू नो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फिनिश योर एजुकेशन। और उसके बाद मुझे ये पता था कि मुझे नहीं करनी है। तो आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन है, मैंने जॉब आज तक अपनी लाइफ में किसी के लिए नहीं की है। आई स्टार्टेड अ बिजनेस, मेरी कंपनी का नाम था डेज जेनेसिस, जहाँ पे आई वाज डूइंग प्रोडक्ट डिजाइनिंग। तो 2 साल तक इंदौर में प्रोडक्ट डिजाइनिंग और साइट्स डिजाइन करने के बाद में, देन आई बिकेम एन एंकर, एंड एंकर बनने के बाद में आई गॉट इनटू एक्टिंग। सो आइडिया ये है कि जॉब करो या सेल्फ कुछ अपना स्टार्ट करो, आइडिया ये होना चाहिए कि एक्टिंग के साथ साथ में देर हैज टू बी अ पैरेलल मनी मेकिंग बिजनेस फॉर यू, दैट इज एट योर बैक कीपिंग यू कंफर्टेबल, ताकि आपके पैसों की वजह से डिसीजन मेकिंग अफेक्ट ना हो कि किस तरीके का काम आपको करना है, या आप डिग्निटी में कॉम्प्रोमाइज ना करो वहां जाकर, बिकॉज यू डोंट हैव मनी। तो मैम काफी सारी लड़कियां हैं जो आपकी तरह छोटे से गांव से हैं, लेकिन इनको इंडस्ट्री में आना है, आपकी तरह आगे बढ़ना है, तो लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे और कितनी सेफ है ये इंडस्ट्री लड़कियों के लिए? क्योंकि काफी पेरेंट्स को होता है कि भाई उनको परमिशन नहीं देते क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा होता है कि ये इंडस्ट्री लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बोलूँगी मेरे हिसाब से तो ये सब मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। जब भी आपको किसी चीज के बारे में आधी नॉलेज होती है तो वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है किसी की जिंदगी का करियर, मतलब किसी का करियर खत्म कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको बस आधा ही पता है। इन माई लाइफ ऑनेस्टली, मैंने जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है उस वजह से मुझे कभी भी कास्टिंग काउच के सच ऐसे इश्यूज कभी भी नहीं हुए। इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ फ्लर्ट करेंगे या आपके साथ कोशिश करेंगे कि कुछ बात आगे बढ़े, लेकिन वो कहाँ नहीं होता, आप मुझे बताइए। जॉब में, जॉब एरियाज में, कोई भी इंडस्ट्री आप पकड़ लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का मैनिपुलेशन होता ही है। और लड़कियां अगर स्मार्ट है, तो लड़कियों से मेरा सिर्फ यही कहना है कि अपने आप को समझदार बनाओ, हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, रीड अबाउट बॉडी लैंग्वेज, रीड अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, रीड अबाउट मेन पर से। जब आप लोगों को समझ बढ़ जाती है ना, फिर भले आप 20 साल के, 22 साल के, और भले आपको कोई टच भी नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर स्मार्ट, यू कैरी योर सेल्फ वेल, यू कंडक्ट योर सेल्फ वेल। एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो हम बोलते हैं वो कॉन्फिडेंस आता कहाँ है, आता कहाँ से? वो कॉन्फिडेंस सिर्फ आपकी एजुकेशन से आता है, आपकी इस बात की अंडरस्टैंडिंग से आता है कि आपको समझ है कि आप क्या बन सकते हो, वट यू वर्थ ऑफ। तो आप क्या वर्थ ऑफ, तो आप क्या करते हो, आप फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करते। देन यू नो दैट सूनर और लेटर यू विल मेक योर मार्क। मेरे साथ ऐसे हुए कि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे शॉर्टकट्स हैं,
आप आसानी से किसी के साथ टाइम स्पेंड करो एंड आपको आई एम रियली बीइंग ब्लंट हियर, टाइम स्पेंड करो आपको बहुत आसानी से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप सीधा यू विल शॉट अप टू टॉप क्लास फेम. लेकिन इजी कम इजी गो एंड फॉर हाउ लॉन्ग विल यू सस्टेन ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, यू नो यू कैन नॉट सस्टेन दैट. मुझे पता था मैं अभी यहाँ से 5 साल और वेट करूंगी, लेकिन मैं करूंगी अपने मन का और अपनी इच्छा का, बिकॉज डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज समथिंग दैट आई चेज एंड आई कैन नॉट रियली फेक इट. किसी भी लड़की का आप जर्नी देखोगे जिसने अच्छे तरीके से कुछ भी पाया है, वो लास्ट किया है लाइफ में. तो मैं ये नहीं मानती कि इंडस्ट्री सेफ नहीं है, आप में जिगर होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए कि आप माँ बाप के अगेंस्ट जाकर के, फैमिली के अगेंस्ट जाकर के, और अपने अपने आप पे इतना बिलीव रखो कि यार वट एवर हैपन्स वट कम मे आई विल बिकम वट आई वॉन्ट टू बिकम. अगर आप यहाँ पे आकर के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, पार्टी कर रहे हो, चिल कर रहे हो, देन यू हैव नो ऑप्शन बट टू फॉल इन रॉन्ग हैंड्स एंड इट इज बाउंड टू हैपन. बट इफ यू आर डिसिप्लिंड, इफ यू आर श्योर एंड ड्रिवन, देन यू विल मेक योर मार्क. तो आपने अपने स्कूल के दिनों की बात की कि आप उसमें टॉम बॉय जैसे थे, तो कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में आप शांत थी या वहां पे भी आप काफी शरारती थी, और कॉलेज के दौरान क्या आपकी शरारत के कोई किस्से जो आप शेयर कर सकते हैं? यार कॉलेज में मैं कैसी थी मुझसे पूछेंगे तो मुझे याद ही नहीं है, बिकॉज इंजीनियरिंग ना बड़ा बोरिंग होता है ऑनेस्टली. ये जो दिखाते हैं ना फिल्मी लाइफ, मेरी तो नहीं थी, मैं भोपाल में थी एंड लाइफ इज लाइक क्वाइट बोरिंग, दैट वाज लाइक अनदर स्कूल दैट यू आर गोइंग टू. तो मैं शुरू में तो बहुत एक्टिव थी कॉलेज में भी, वहाँ पे मतलब सारे शो मुझे होस्ट करने होते थे एंड आई यूज टू सिंग ऑल्सो इन एवरी इवेंट पॉसिबल. पूरे लड़के, पूरे कॉलेज के लड़के लाइन मारा करते थे, दे वांटेड टू जस्ट कम एंड टॉक टू मी. सो आई वाज ऑब्वियसली द हाईलाइट ऑफ द कॉलेज, आई मीन एज दे से, यू नो. एंड आई वन मिस फ्रेशर ऑल्सो, आई रिमेम्बर मिस फ्रेशर इन 2012. ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैपेंड, बट मैं अपने हॉस्टल में बहुत ज्यादा शैतान थी, बहुत ज्यादा. एंड कॉलेज में मैं बिल्कुल शांत थी, एकदम ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई वाज इन रियल, एकदम अलग. तो तभी मेरे ख्याल से मेरे कॉलेज मेट्स को और मेरे जाने वालों को बहुत हैरानी होती कि अन्वेषी लाइक रियली शी बिकेम सो वेरी, हाउ इज दैट पॉसिबल, बहुत ही ले लो आई वाज दैट टाइम, यू नो. तो या एंड किससे तो ऐसा है कि लास्ट डे ऑफ कॉलेज में हम लोग ना एक दूसरे के कपड़ों के ऊपर ना स्केच पेन से लिखा करते थे, कॉम्प्लीमेंट्स लिखा करते थे एंड दैट वाज द टाइम एंड I felt closest to all of my classmates, you know, and there was this guy who was very close to me, was the dearest friend, Vivek. So, बहुत ही बुरा लग रहा था and बड़ी nostalgic feeling थी, but it was fun. That day we enjoyed a lot. Like we played Holi and we tore each other clothes. बहुत मजा आया था. Last year of college was fun. Not the first day, not all those 4 years, but the last day. तो अन्वेषी जी, आपका ये जो गाना है ये सुनने के बाद तो काफी सारे लोगों की फेवरेट सिंगर की लिस्ट में आप आ जाने वाली हो, लेकिन आपका फेवरेट सिंगर कौन है? आई थिंक आई एम अ फैन ऑफ लता मंगेशकर जी, द वे शी सिंग्स, मतलब वो मेरी एजुकेशन का हिस्सा है कि मुझे उनकी गाने सुनकर के मेरे टीचर को सुनाने होते, इसलिए वो सुनते सुनते मुझे वो हो गया. बाकी रूहानियत वाली आवाज की बात की जाए ना तो मुझे अरिजीत सिंह की ही आवाज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और आई विश दैट इफ आई कैन ब्रिंग द काइंड ऑफ इमोशंस ही ब्रिंग्स टू हिज वॉइस व्हाइल ही सिंग्स समथिंग, अपनी आवाज से वो अपनी एक्टिंग करते हैं, अपनी गायकी पे उनकी एक्टिंग है. तो अगर मैं उस लेवल पे आ जाऊंगी तो मेरे ख्याल से वो मुझे एज एन एक्टर ऑल्सो विल हेल्प, एंड सिंगर तो फिर आई थिंक दैट्स अनदर लेवल ऑफ डिजायर, यू नो. ओके, आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन से हैं? Yeah, I don't really have any favorites anymore. Irfan sir मेरे favorite actor रहे हैं बहुत समय तक, inspiration रहे हैं. Nasruddin Shah ji की जो subtle act है वो मुझे बहुत पसंद है. बाकी अभी as such I'm not really a fan of, मतलब वो एक मेरे ख्याल से वो एक age होती है जहाँ आप slam book में भरते हो कि मेरा favorite actor ये है, मेरी favorite actress ये है, और अब तो इतने एक से एक एक्टर एक्ट्रेसेस आ चुके हैं ना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी इफ यू सी देयर आर सो मेनी न्यू पीपल दैट हैज कम एंड डन फैबुलस स्टफ. या तो बॉलीवुड में आपके फेवरेट ऐसे कौन से एक्टर या डायरेक्टर है, आपको लगता है कि हाँ अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, या कोई ऐसा प्लान होता है तो मुझे उनके साथ काम करना है? रिसेंटली ऑनेस्टली बॉलीवुड तो नहीं, मेरे टॉलीवुड में बड़ा काम करने का मन है और मेरी पहली तेलुगु फिल्म भी आ रही है, लेकिन शेरशाह देखने के बाद आई रियली वॉन्ट टू वर्क विद डायरेक्टर विष्णु वर्धन, बिकॉज द वे ही हैज मेड सिद्धार्थ मल्होत्रा लुक, द वे ही हैज मेड कियारा लुक, ओ माई गॉड दैट मैन इज मैजिक.
And I think I need somebody like that to actually portray the real me out there and be, like, you know, justified for what I can bring. या विष्णु सर के बारे में मैंने काफी सुना है क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले जो शेरशाह फिल्म की एक्ट्रेस है मनमीत कौर जो कियारा आडवाणी के फ्रेंड के रोल में वो मेरे यहाँ पे आई थी और उन्होंने भी विष्णु सर जी के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें कही थी. During the making of Sersha, because I have known him personally, तो कई बार ऐसा होता था कि वो मुझे मतलब मुझसे बताया करते थे कि किस तरीके से एडिट होता है या सी जी वर्क या ग्रेडिंग हाउ यू एडिट अ शॉट और एक्टर्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए. सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने और मेरे भाई ने हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है. माई ब्रदर इज़ अ सिनेमाटोग्राफर एंड अ फोटोग्राफर हिमसेल्फ. तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा टू हैव नो लाइक दैट. ओके तो मैम आपका फेवरेट फूड कौन सा है? आप लाइट खाना पसंद करते हो या फिर जंक फूड में कुछ आपका फेवरेट है? मेरे को सिर्फ गोलगप्पे सबसे ज्यादा पसंद है. पिज्जा भी नहीं बोलूंगी मैं. गोलगप्पे आर माय वीकनेस एंड आई रियली रियली लव देम. अपार्ट फ्रॉम दैट आम का पन्ना मेरे घर का जो होता है ना दैट इज लाइक माय वीकनेस. बाकी तो अभी बॉम्बे आने के बाद में मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लाइट ही खाऊं. हैवी खाने के बाद में जो गिल्ट आता है ना साथ में वो टॉलरेबल नहीं होता है. लेकिन थैंकफुली अभी ऐसा है कि although I'm fasting today, it's such a wrong question. I'm thinking of food and feeling more hungry now. But यहाँ पे आने के बाद ना क्योंकि इतना dedication और devotion चाहिए ना काम के लिए कि आपको बहुत सारे प्यार ना खत्म करने पड़ते हैं अपने हाथ से गला घोटना पड़ता है. Food love is something that I have filled with my own hands कि नहीं यार पसंद करना ही नहीं. अगर पसंद करूँगी तो I will end up eating because खाने के time पे नहीं होता control. So I don't like it at all. और खाने से प्यार ही नहीं रह गया अभी. आप काफी सुंदर दिखती है और आपकी फिटनेस भी काफी अच्छी है. तो आपका फिटनेस और ब्यूटी का कोई ऐसा सीक्रेट या कोई टिप्स जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हो? आई थिंक आपके चेहरे पे ना आपका दिमाग क्या सोचता है वो दिखता है बहुत ज्यादा लाउडली. एंड दैट्स व्हाई सम पीपल एज वेरी वेरी फास्ट फॉर टाइम यू नो. फिटनेस फिजिकल फिटनेस तो जरूरी है ही. दुनिया जानती है इस बारे में लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बारे में स्टडी की होगी कि how your thoughts actually make you look bad and haggard and and hum baat karte hain energies ki vibes ki sab cheezon ki to usme do teen cheeze hain jo main apne liye bahut dhyan rakhti hu. pehli cheez hoti hai company. mere aas paas ke jo bhi log rehte hain unki energies bahut vibrational hain. they all are successful people and they are doing something well for their life with good habits. inki aadat kharab nahi hai because I know that maybe agar main inke sath hang out kar rahi hu 4-5 baar na maybe main kuch aisa react nahi karungi ya main cigarette ka puff utha kar ke main nahi smoke karungi lekin somewhere mujhe lagta hai ki I feel drained. mujhe lagta hai main when I'm coming back home I'm not feeling very enthusiastic. so I make sure ki company aapki achhi ho to aap hamesha bright rehte ho. dusri cheez main ye dhyan rakhti hu ki junk nahi khana hai. aapki eating habits aapke face pe aapke chehre pe aapki body mein. so you be very particular about things. आप cheating करो कोई दिक्कत नहीं है. आप खा रहे हो खाओ आप junk भी खाओ लेकिन कुछ चीजों को absolutely no कर दो. like white sugar मेरे घर में मिलेगी ही नहीं आपको. white sugar के अलावा breads not at all. then there are things that you just avoid forever for life. you have left those things. salt खत्म. तीसरी सबसे important चीज ये है कि आप जब अकेले होते हो तो आपके दिमाग में ख्याल क्या आते हैं. अगर आप शिकार हो जाते हो बहुत आसानी से नेगेटिविटी का देन यू आर एन इजी प्रे. देन यू हैव टू रियली वर्क ऑन मेकिंग योरसेल्फ स्ट्रांग. डू नॉट रिलाई ऑन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और समबडी एल्स टू मेक यू फील बेटर ऑल द टाइम. यू हैव टू कंडीशन योर माइंड दैट यू नो व्हाट आई विल एज फास्टर इफ आई डोंट फील गुड. सो यू इंस्टेंटली मेरा ये रहता है कि अगर मुझे एक खराब चीज लग रही है कुछ हो गया आज अच्छा नहीं लग रहा देन व्हाट विल आई डू इज आई विल लुक एट 10 गुड थिंग्स दैट हैपेंड टुडे. लाइक यू नो सो दैट इज बैलेंसिंग. तो आपने वेब सीरीज भी की है और आपने काफी फिल्में भी की है और अभी आपकी जो तेलुगु फिल्म है वो इसी महीने रिलीज भी होने वाली है. तो मैं जानना चाहूंगा अगर आप बता सकते हो तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से अपकमिंग आपके लाइनअप्स हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा कमिटमेंट मेरी फिल्म है तेलुगु फिल्म वो आने वाली है. मेरा एक और गाना है जो रिलीज हो रहा है 11th ऑफ सितंबर को जो कि राता लंबिया है. राता लंबिया हम बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि इसको हम रिलीज करें. बस फैंस की डिमांड थी कि मैं वो गाना गाऊं.
और शेरशाह फिल्म का सॉन्ग है, शेरशाह इज द बेस्ट फिल्म इन रीसेंट टाइम्स एंड राता लंबिया हैज रीच्ड बिलबोर्ड एज वेल, तो मेरा पर्स बनता है कि मैं तो ये सॉन्ग गाके रहूंगी. सॉन्ग इज कमिंग ऑन 11. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सी मी इन Amazon Prime सीरीज विद पंकज त्रिपाठी सर, कुणाल खेमू एंड पत्रलेखा. दैट सीरीज विल कम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो. But I'm not allowed to talk about that series much, so I will stop here. And similarly, there are some shooting that is going on, जिसके बारे में जैसे इसका progression होगा आपको बताना चाहूँगी. और हाँ, आप मुझे short films में भी काफी देखेंगे. ओके, तो मैम 2019 की बात है, उस टाइम में आप गूगल का एक सर्वे आता है कि सबसे ज्यादा लोग कौन से सेलिब्रिटी को या कौन से पर्सन को सर्च कर रहे हैं, तो 2019 में आप टॉप में थी कि आप एक ऐसी एक्ट्रेस थी कि जिनको 2019 में गूगल में लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया, मतलब लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप कौन है, कहाँ पे रहते हो, क्या करते हैं. तो जब आपको ये पता चला कि सबसे ज्यादा आपको लोग सर्च कर रहे हैं, पूरे साल तक आपको सबसे ज्यादा सर्च किया, तो आप कैसा महसूस उस टाइम पे कर रहे थे और क्या फीलिंग आपको आ रही थी? I was feeling on the top of the world and I still am, because मेरे ख्याल से अभी भी जो लोग वहां से आके जो जुड़े हैं मुझसे, वो अभी तक जुड़े हुए हैं मेरी ऐप के थ्रू या इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू, which is why within what 1.5-2 years हम लोग 20 मिलियन से ऊपर जा चुके हैं, you know, it's no less than a million. तो इस बात का रिमाइंडर मैं खुद को अपने आप हमेशा देती रहती थी, यार अंग्रेजी वेरी वेरी लकी, बिकॉज ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है जिनकी जिंदगी वाकई ओवरनाइट बदलती है. हालांकि हम मेहनत हमेशा करते हैं, लेकिन कम से कम मेरे लिए वो ओवरनाइट आई तो सही. वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट टू हैव समथिंग टू हैव द टाइटल ऑफ मोस्ट गूगल्ड एक्ट्रेस. 30 मिलियन पीपल सर्च मी ओवरनाइट. मुझे याद है उस रात को मैं कैसे फूट फूट के रो रही थी, बिकॉज बिग बॉस से भी मुझे कॉल आया था एंड ट्विटर पे भी आई वॉज ट्रेंडिंग #AnvesiChan. आप अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें चाहते हो, ये मेरा विजन बोर्ड इतना बड़ा बड़ा होप एंड एवरीथिंग, लेकिन जब उनमें से कोई एक चीज भी पूरी होती है तो आपको लगता है ओह गॉड इट हैपेंड, इट रियली हैपेंड, यू नो. मुझे नहीं लगता कि शायद इतना जल्दी नहीं होगा, बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि वो हो गया, विच इज वाई मेरी कोशिश रहती है कि मैं मेहनत करती रहूँ और अपने फैंस को खुश करती. ओके मैम, मुझे एक और सवाल याद आया कि रिसेंटली हमने सिद्धार्थ शुक्ला जी को खो दिया है, वो काफी अच्छे एक्टर थे तो, और वो बिग बॉस में भी विनर रह चुके हैं, तो आपको कभी सिद्धार्थ शुक्ला जी से मिलने का हुआ था? हमारे जिम में ही वो आते थे और मैंने जब भी उनको देखा है हमेशा उनको मैंने स्वेटिंग करते ही देखा, उनकी टी शर्ट हमेशा गीली हुआ करती थी एंड वो हाथ से बात किया करते थे. डू अ लॉट ऑफ कार्डियो एंड अ लॉट ऑफ वेट्स, यूज्ड टू हैवी ट्रेनिंग आल्सो, तो मेरा उनसे कई बार यही पूछना होता था कि यार आप इतना ज्यादा वर्कआउट क्यों करते हो यार, पिछले 2 घंटे से आप यही हो, क्या कर रहे हो बाबा, गो होम. एंड ही जस्ट सी नहीं यार, आई लाइक जिमिंग, आई एंजॉय डूइंग दिस. तो जब उनके जैसे इंसान पर जब हार्ट अटैक हुआ ना, तो आप लोगों की तरफ मैंने भी यही क्वेश्चन किया कि माय गॉड किसी का भरोसा नहीं, बिकॉज आई हैव सीन हिम सो क्लोजली वर्किंग आउट सो मच एंड स्पेशली जैसे कि जब आप ट्रेडमिल पर रनिंग करते हो तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छा रहता है. There must be something else, I don't know what the reason is, but it is really really saddening. क्योंकि क्या है ना, आप अपनी जिंदगी के 30 साल 40 साल मेहनत करते हो कुछ बनने में, इतनी शॉर्ट लिव्ड सक्सेस के पीछे इतना सारा साल का वर्क होता है और अचानक से आप वो सब पाने के बाद चले जाते हो, क्या फायदा रहा ना, क्या फायदा हुआ आपके इतनी मेहनत का है. So it's very very sad that you know it's not justified for somebody so young. तो मैम, आपके सोशल मीडिया पे 4.5 मिलियन फॉलोवर्स अभी है इंस्टाग्राम पे, यानी कि 45 लाख से भी ज्यादा आपके चाहने वालों का पूरा फैमिली है, तो आपके फैंस को आप आज क्या मैसेज देना चाहोगे, आपका आज ये गाना रिलीज हो चुका है इस खुशी के मौके पर? मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज जाकर के गाने को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो उस गाने पे रील्स बनाइए, इंस्टाग्राम पे गाना पूरा अवेलेबल हो जाएगा. एंड ये गाना ना आपको होप देता है, प्यार देता है, साथ ही ये बताता है कि आप अपने अंदर की जुनून को ना रोको मत, उसको जलने दो, ताकि क्योंकि आप ना बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप खुश रहेंगे तो आपके साथ वाले भी खुश रहेंगे. इसलिए स्टे हैप्पी, लिसन टू द सॉन्ग एंड इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू मेक अ स्टोरी एंड टैग मी आई विल रीशेयर दैट. टीवी का बना के भेजिए, मेरे घर में ना टीवी नहीं है और टीवी पे सॉन्ग चल रहे हैं, मेरे पास जगह जगह से वीडियोज आ रहे हैं और मैं उनको पोस्ट कर रही हूँ. प्लीज इफ यू आर ऑल्सो वॉचिंग इट ऑन टीवी, मेक अ वीडियो एंड सेंड मी, आई वुड लव टू सी माई सेल्फ ऑन टीवी. After all, I'm living my dream finally of being a singer.
तो मैम, मैंने भी आपका ये गाना आज सुबह में 11 बजे जैसे ही रिलीज हुआ मैंने सुना, रिमाइंडर ही लगा दिया था, और मैंने लूप में इस गाने को कॉन्स्टेंटली 15 से 20 बार तक सुना है, क्योंकि आपकी आवाज अरे काफी अच्छी थी। थैंक यू सो मच, दैट मेक्स मी रियली रियली हैप्पी, आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट, थैंक यू, थैंक यू. तो अन्वेषी जी, आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफी मजा आया आपसे बात करते हुए, और मैं चाहूंगा कि आपको आगे ऐसी ही सक्सेस मिलती रहे, और इस तरह से आप नए नए प्रोजेक्ट्स करते रहे, नए नए गाने बनाते रहे, और मेरे साथ इस तरह से बॉलीक्विक के लाइव चैट सेशन में जुड़ती रहे। सो थैंक थैंक यू यू, थैंक सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। यू सो मच, प्लेजर इज ऑल, थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय.